दुष्कर्म अभियोग रे जेल गले एएसआई पिपिले बड़ंगा थाना एएसआई चितरंजन दास को जैनका महिला को दुष्कर्म अभियोग मामला रे गिरफ करी कोर्ट चालान करा जाई छे। भारतीय दंडविधि आईन केस नंबर 2/20 रे दफा 376 342 एवं 506 आधार रे अभियुक्तों को गिरफ करी छे पुलिस। कोर्ट रे आज जामीन नामंजूर हेबारु निमापड़ा स्थित विचार विभागीय हाजत को पठाई दिया जाई छे। तबे एक मामलारो पीड़िता को स्वामी को गिरफ करितबारु मिथ्या अभियोग करी जैनिका महिला ताको फसाई देइतिबा गिरफ एएसआई चितरंजन दास बयान रखिछंती। सेपटे विवाद बढ़ाई छि पीड़िता को बयान डाक्तरी मायना पाई पीड़िता मना करबा परे द्वंद्वरे पड़ी छि पुलिस। सेहिपरि अधिक तदंत पाई पीड़िता को घटनास्थल को नहीं निजे एसडीपीओ देवदत्त बराल तदंत करछंती। अन्यपटे महिला कमिशनर एक प्रतिनिधि दल नहीं घटना परिदर्शन करबा सह पीड़िता और बड़ंगा पुलिस को सह आलोचना करछंती। घटना तदंत चलितबारु अधिक विवरणी देबाकु पुलिस मना करछंती। तबे सरकारी अधिकारी भाबरे गिरफ होइतिबा कारणरु एएसआई चितरंजन दास को आज पुरी एसीपी चाकिरु निलंबित एविडेंस ऑफ फैक्ट कलेक्शन करिबो सेही प्रक्रिया रे आमे विभिन्न स्टेटमेंट रेकर्ड करिछु। मेडिकल एग्जामिनेशन करिबा पई पीड़िता जो मना कर देले पीड़ितांकर राइट रहउछि लीगली से एंटिटल मना करि परिबा पई जेहेतु से मेजर अछंती तेणु तापरे आमे तांकर कोर्ट रे 164 स्टेटमेंट मध्ये रेकर्ड कलु। पीड़िता मीडिया रे जहा कहिले मरिया बंधुमान को बंगरे जहा कहिले सेटा मैटर करूनी सी पुलिस को जहाँ बाइंड देखते कोर्ट को जहाँ बाइंड देखते विभिन्न तदंत प्रक्रिय जहाँ एविडेंस कलेक्ट हो पार से ही मैटर कर रेप ना आज्ञा मुझे मेडिकल खाली कही ट्रीटमेंट होबिनी बलिका डॉक्टर को कही तीन मस तो मुझे मना कर मत फसई दी जहाँ की स्वामी की बांधिक पठी बस ना मत से फसई मत फसई ब्लाकमेली कर फसई ब्लाकमेली।